सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, तो मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम में, जहाँ पे मैंने आपसे दो चीज़ें पूछी थी, आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो दो चीज़ें थी कि चाइना के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, या फिर कानपुर शूट आउट के बारे में। तो 63% लोगों ने कहा कि चाइना के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में वीडियो चाहिए, तो उसी पे वीडियो ला रहे हैं। बाकी 37% लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए हम कानपुर शूट आउट की भी वीडियो लाएंगे, जो कि फ्राइडे को आएगी। यानी कि इस हफ्ते टोटल 3 वीडियो आने वाली है। तो चैनल पे सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और देखते हैं चाइना के किन किन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो टोटल देखे जाए तो चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जो मुझे मिले अभी तक, वो 12 कंट्रीज के साथ हैं। लिस्ट बना के लाए हूँ। वियतनाम, भूटान, यूएसए, इंडिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, वियतनाम, इन चारों के साथ एक मिलता हुआ कॉन्फ्लिक्ट, और छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मतलब छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट है रशिया के साथ भी। तो एक एक करके सब की बात करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं एक बार हम, ये जो चार कंट्रीज हैं, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, वियतनाम, इन चारों कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ साउथ चाइना सी के इश्यूज से रिलेटेड, साउथ चाइना सी के क्लेम से रिलेटेड। चाइना पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन चार कंट्रीज की, वहाँ पे सबका थोड़ा थोड़ा ज्यूरिस्डिक्शन होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबका क्लेम है। तो इसके लिए हमें एक ट्रीटी को समझना होगा। ट्रीटी नहीं, मतलब एक ट्रीटी समझ लीजिए कि UNCLOC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी आई थी 1982 में, जिसके अकॉर्डिंग हर कंट्री के जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का सी एरिया है, वहाँ तक ज्यूरिस्डिक्शन होगा। अभी नॉटिकल माइल्स एक तरह से डिस्टेंस है, यानी कि इंडिया के 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका ज्यूरिस्डिक्शन है। मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा आपका इंडिया का मैप, दिख रहा है आपको इंडिया का पूरा मैप, पूरा का पूरा मैप, ये पूरा का पूरा मैप है इंडिया का। अभी इंडिया से जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का सी एरिया है, यहाँ पे इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन आएगा। अब देखिए, इंडिया के नीचे पूरा 200 नॉटिकल माइल तक आएगा, यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक आएगा, यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक आएगा, तो यहाँ ज्यूरिसडिक्शन है। तो अब एक बार देखते हैं वर्ल्ड मैप में। ये वर्ल्ड मैप है, मैं पूरा नहीं दिखा रहा, वरना आएगा नहीं, क्योंकि ये चाइना है आपका, मतलब हमारा नहीं, चाइना का चाइना है ये, ये चाइना नामक देश है, ठीक है। तो चाइना है, इसके नीचे ये रहा आपको अगर दिख रहा हो साउथ चाइना सी, ये रहा साउथ चाइना सी, दिख रहा है कैमरामैन, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ये रहा साउथ चाइना सी, ठीक है। अब इसके आसपास अब देखिए कितनी कंट्रीज, वियतनाम ये रही, फिलीपींस ये रही, यहाँ ब्रूनी, मलेशिया, चाइना। अब चाइना से 200 नॉटिकल माइल्स तक उनका ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, यहाँ से फिलीपींस का होना चाहिए, यहाँ से वियतनाम का होना चाहिए, और यहीं से थोड़ा ब्रूनी और मलेशिया का भी होना चाहिए। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना को तो पूरा चाहिए, चाइना है भूखा भेड़िया, हमको तो पूरा का पूरा चाहिए। तो चाइना वही कह रहा है कि भैया मुझे तो ये पूरा का पूरा चाहिए। लेकिन ये सारी कंट्रीज कह रही है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, ये एरिया, इसमें मतलब हमारा भी ज्यूरिसडिक्शन आना चाहिए। तो यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे स्ट्रांगेस्ट अगर कोई चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, वो है द फिलीपींस। क्यों? क्योंकि वो यूएसए के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फिलीपींस पे चाइना अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्होंने फिलीपींस पे अटैक करा, मतलब उन्होंने यूएसए पे हमला कर दिया। तो इसीलिए फिलीपींस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है अभी यहाँ पर, और यहाँ पे यूएसए ने भी अपने शिप्स लगा दिए साउथ चाइना सी पे, चाइना को कंट्रोल करने के लिए। और रिसेंटली चाइना ने साउथ चाइना सी पे वियतनाम की एक शिप को भी उड़ा दिया था। तो ये था पूरा साउथ चाइना सी का क्या क्या है, मतलब क्या पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना पूरा का पूरा क्लेम कर रहा है। अब हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि क्यों क्लेम कर रहा है, क्या रीज़न है इसके बीच में। तो एक और बार मैप को देखते हैं, मैप प्रकट हो जाएगा अभी एक सेकंड में। ये रहा मेरा मैप फिर से, ओके। सो कहाँ गया चाइना मेरा, हाँ ये रहा चाइना। अब देखो, चाइना, चीन, कुछ भी कह लो, अब चाइना जो है उसको ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ट्रेडिंग पूरी दुनिया में करता है, तो उसको ऑयल बहुत ज़्यादा चाहिए अपने रिसोर्सेज के लिए। ऑयल कहाँ से लेता है, वो लेता है मिडिल ईस्ट से, इधर से जहाँ पे ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब है। यहाँ से अब देखना रूट, देखना रूट समझना, मैं थोड़ा पास आता हूँ कैमरे के, ये है रूट। यहाँ से जाके आपको यहाँ से जाना पड़ता है चाइना को, इधर से जहाँ पे इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ से होते हुए अंडमान निकोबार आइलैंड के पास से होते हुए जाना पड़ता है। अब चाइना को पता है कि इंडिया के साथ कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा
तो इंडिया रास्ता ब्लॉक कर देगी, जो कि जैसे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसीलिए वो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को कैप्चर कर रही है। अब वो यहाँ से माल उठाएंगे, यहाँ से जाएंगे सीधा नीचे की तरफ और साउथ चाइना सी से होते हुए चाइना की तरफ निकल लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे चाइना खेल रही है और इनकी स्ट्रेटजीज को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली खेलते हैं, तो इसीलिए पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को लेना चाहते हैं। इससे रिलेटेड फिलीपींस गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। ये कोर्ट है यहाँ पे, मतलब कोई भी कंट्री नहीं है, मतलब ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी वो होती है जहाँ पे सब कंट्रीज ने मिलकर किसी ट्रीटी को साइन करके वो फॉर्म कराओ, तो वहाँ पे गई थी जहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा था कि बिल्कुल गलत है, अनक्लॉस यानी कि UNCLOS यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अगेंस्ट है और चाइना को वहाँ से बैक ऑफ करना ज़रूरी है। लेकिन चाइना नहीं मानी, वो कही कि हम इनकी बात क्यों माने, कौन है ये, और वो अपना वहाँ पे कब्जा जमाई हुई है। तो चलिए देखते हैं आगे और चाइना के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बात करते हैं चाइना और रशिया के बारे में। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह सकते, मतलब एक छोटी सी मुठभेड़ है। तो रशिया में एक जगह है बिल्कुल रशिया के साउथ ईस्ट में जिसका नाम है व्लादिवोस्तक। व्लादिवोस्तक मैं मैप में दिखाता हूँ आपको, ढूंढना पड़ेगा। ये रहा, ओके, सो ये रहा रशिया, सबसे बड़ा देश दुनिया का। दिख रहा है रशिया, दिख रहा है, ओके, सो ये रहा रशिया और इसके एकदम यहाँ पर है, यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर एकदम व्लादिवोस्तक, जो कि चाइना के बॉर्डर के बहुत पास है। तो ये व्लादिवोस्तक रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, रशिया का मोस्ट ऑफ द ट्रेड यहीं से होता है, व्लादिवोस्तक से होते हुए। तो ये जो शहर है ये फॉर्म हुआ था 2 जुलाई 1860 में यह शहर को फॉर्म किया था। तो इसी की अभी एनिवर्सरी थी रिसेंटली 2 जुलाई को, जिसमें रशिया ने ट्वीट करा था, मतलब कि काफ़ी, मतलब एनिवर्सरी जिसमें वीडियो डाली थी पूरी कंट्री की रिचनेस दिखाते हुए। तो वहीं पे हर कंट्री की एम्बेसी ने भी ट्वीट करा, जैसे इंडियन एम्बेसी, मतलब इंडिया में जो रशियन एम्बेसी है, वैसे चाइना में जो रशियन एम्बेसी, उन्होंने भी ट्वीट करा था। तो उसको, उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन दिखाया था चाइना ने, और चाइना ने कहा था कि ये जो एरिया है ये चाइना का है, ये चाइना का एरिया है हिस्टोरिकली, और चाइना इसको कहते थे हाइशिनवाई नाम का एरिया है और ये 1860 से पहले चाइना में था। लेकिन रशिया ने इसको ज़बरदस्ती छीन लिया था एक ट्रीटी से जो कि थी पेकिंग ट्रीटी। अब ये ट्रीटी क्यों हुई थी? क्योंकि सेकेंड ओपियम वॉर हुआ था 1860 में, सेकेंड ओपियम वॉर हुआ था जहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चाइना को बुरी तरीके से हरा दिया था। तभी रशिया ने भी अपनी आर्मी भेज दी थी चाइना में और उन्होंने कहा कि आपने हमको इतना एरिया नहीं दिया तो हम आप पर अटैक कर देंगे। तो वहाँ पे ज़बरदस्ती चाइना से ये 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रशिया ने छीन लिया, बिल्कुल 600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अगर ये एरिया कितना बड़ा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान को पूरा बर्फ मिला दो, इतना बड़ा एरिया रशिया ने चाइना से उस वक्त ले लिया था। तो एक तरीके से, मतलब उन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने क्लेम नहीं करा, उन्होंने बस बताया, क्लैरिफाई किया कि एरिया हमारा हुआ करता था। और ये आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं करा, हर साल ये एनिवर्सरी बनाती है रशिया, हर साल ट्वीट करती है। इस साल ऐसा क्यों करा है? क्योंकि सर, जैसे हम सब जानते हैं कि रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को वो आर्म्स और एमिनेशन दे रहा है, मतलब फ्री में तो नहीं दे रहा, पैसे दे के दे रहा है, लेकिन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए चाइना अभी उसके अगेंस्ट बोल रही है और रशिया भी अभी इंडिया का सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे इंडिया से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से कहीं भी रशिया और इंडिया की बाउंड्री नहीं होती, रशिया चाइना की होती है, चाइना से फ्यूचर में रशिया को थ्रेट हो सकता है, इसलिए वो इंडिया को अभी सपोर्ट कर रहा है। तो आइए देखते हैं अब आगे चाइना और भूटान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ओके, सो चाइना और भूटान, तो रिसेंटली एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी किसकी? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जहाँ पे हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव आए थे वर्चुअली, ठीक है। तो उसी में क्या हुआ था, डिस्कशन चल रहा था कि हम सबको अब एक फंड्स कलेक्ट करने की ज़रूरत है, एक नेशनल पार्क है जो कि है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान में, उसको डेवलप करने के लिए फंड्स इकट्ठे करने हैं। सब ने एग्री करा एक्सेप्ट चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव। तो चाइना ने कहा कि ये एरिया हमारा है, मतलब ऐसे उठ के, भैया ये हमारा है, नहीं मैं नहीं खेल रहा, ये तो मेरा है, ऐसे करके चाइना कहने लगी कि ये मेरा एरिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैप में देखें तो ये जो साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चाइना के साथ कहीं बॉर्डर नहीं शेयर कर रही, तो ये एरिया चाइना कैसे क्लेम कर रही है कोई नहीं समझ पा रहा अभी आज के टाइम में। तो एक बार मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, पता चल जाएगा आपको कि चाइना के साथ कहीं बॉर्डर नहीं शेयर कर रही है ये साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैप का बहुत काम है आज की वीडियो में भैया,
पीछे आपको दिखता है स्क्रीन में, आपको मैप दिखते रहेंगे, लेकिन मैं अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए भी इस वर्ल्ड मैप में तो बड़ा छोटा सा दिख रहा है, इंडियन मैप में दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ओके, सो ये रहा इंडियन मैप, ये रहा आपका भूटान, दिखाता हूँ मैं आपको, पहले मैं खुद समेट लूँ इसे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो भूटान की साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिल्कुल ईस्ट में है, किसके, भूटान के बिल्कुल ईस्ट में। और हम सब जानते हैं चाइना का अगर आज तक इशू चला है भूटान के साथ, वो चला है डोकलाम इशू पे। डोकलाम मैंने डिटेल डिस्कस करा है इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी वो वीडियो। अरे भाई हो जा, ठीक है। तो ये रहा भूटान, अगर आपको दिख रहा हो ये है भूटान, दिख रहा है ये भूटान है, भूटान के बिल्कुल इधर है आपका साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे है साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा कि चाइना के साथ तो दूर दूर तक कोई बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया, ये बॉर्डर शेयर कर रही है अरुणाचल प्रदेश के साथ। और जैसे कि हम सब जानते हैं चाइना अरुणाचल प्रदेश पूरा क्लेम करता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ भूटान का ईस्टर्न एरिया भी क्लेम कर रहा है। वाह शाबाश, तो इतना सब कुछ क्लेम कर रहा है चाइना, और वो भूटान का ईस्टर्न पार्ट को भी क्लेम कर रहा है, भूटान के वेस्ट पार्ट को भी क्लेम कर रहा है। भैया भूटान ही ले लो ना पूरा, मतलब भूटान में क्या बचेगा, तुमने ये भी ले लिया ये भी ले लिया, वैसे वो इतनी सी कंट्री है उसमें भी तुम इतना ले लोगे क्या बचेगा है। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वहाँ पे भूटान के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट नहीं थे, तो इंडिया ने ओपनली सपोर्ट करा भूटान का कि ये तो कहीं बॉर्डर नहीं शेयर कर रही, तो आप कैसे कर सकते हैं। यूएसए ने वहाँ पे, यूके ने वहाँ पे सपोर्ट करा, यूएसए ने सपोर्ट करा, ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट करा भूटान का, और जहाँ पे फिर ये फंड, ये जो चाइना का ऑब्जेक्शन था उसको ठुकरा दिया गया, फंडिंग और साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेवलप करने की जो इशू रेज हुआ था वो वहाँ पे सक्सेस हो गया है। डोकलाम इशू के बारे में डिटेल में जानना है फिर से बता रहा हूँ, पराई बटन में जाना, वहाँ से जो वीडियो है वहाँ से जाकर आप पूरा देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब तो बात करते हैं चाइना और जापान के बारे में। तो चाइना के ईस्ट में, बिल्कुल ईस्ट चाइना सी के पास ही कुछ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जापान के, जो कि सेनकाकू आइलैंड्स। तो जापान इसे ऑफिशियली कहती है तोनोशिरो आइलैंड्स, और चाइना इसको कहती है, क्या कहती है, हाँ, डायू, डी आई ए वाई ओ यू, डी आई यू आइलैंड्स ऐसे कुछ कहती है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन तो जीरो है, फिर भी ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से ट्रेडिंग एरिया बन जाता है, क्योंकि आइलैंड है चारों तरफ सी है, तो वहाँ से ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी से हो सकती है। तो अभी रिसेंटली जापान ने वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा दिया, एक अमेंडमेंट लाके, एक नया लॉ लाके, और साथ ही साथ उसका जो आइलैंड है उसका नाम बदल के रख दिया गया है तोनोशिरो सेनकाकू आइलैंड वहाँ पे रख दिया गया है। तो अभी जैसे कि हम जानते हैं चाइना भी इंडिया के साथ बिजी थी, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जापान ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वाइट और क्लेवर ये स्ट्रेटजी अपनाई, और चुपचाप से अपना ये अमेंडमेंट लाके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा लिया, उसका नाम चेंज कर लिया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अगेंस्ट चाइना ने ट्वीट भी करा था कि ये जो जापान कर रही है यूएसए के भड़कावे में आके कर रही है, और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाइना जापान मतलब आपस में अगर वॉर में आएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन चाइना जापान के साथ इतना ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं जाएगी जितना वो इंडिया के साथ जा रही है, क्योंकि यूएसए और जापान में एक पैक्ट साइन हुआ है जिसमें ये है कि अगर कोई यूएसए में हमला करेगा तो वो जापान में हमला करेगा, और जापान में करेगा तो यूएसए में, यानी कि दोनों काफ़ी अच्छा भी पैक्ट साइन किया हुआ है। तो रिसेंटली अभी चाइनीज सबमरीन गई थी ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड्स के पास, जिसको जापानी सबमरीन ने वापस भेज दिया था खदेड़ के। तो यानी कि अब जापान ने वहाँ पे अपनी आर्मी भी लगा ली है समुद्र में, नेवी आर्मी वहाँ पे, पूरी नेवी के बेस लगा लिए। तो अभी चाइना यहाँ पे बैकफुट पर है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि अभी वो इंडिया के साथ ही काफ़ी बिजी चल रही है। तो आगे देखते हैं अब हांगकांग और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इंडिया और यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, पर आई वीडियो मिल जाएगी आई बटन में, जहाँ पे इंडिया चाइना और यूएसए और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट सब बताया हुआ है मैंने। तो अब हम देखते हैं ताइवान और हांगकांग के साथ क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो चाइना और ताइवान की बात करते हैं। चलिए, तो ताइवान को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना कहती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंट्री नहीं है, मतलब है तो अलग कंट्री, लेकिन चाइना ने कब्जा रखा है ताइवान को। तो ताइवान था जिसको चाइना ने एनेक्स कर लिया था, मतलब इस पर कब्जा किया था 1600s में, 16 मतलब 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी में इस पर कब्जा कर लिया था।
लेकिन इसको 1895 में जापान ने एनेक्स कर लिया था, जापान ने इस पर कब्जा लिया था चाइना से, जब चाइना और जापान का वॉर हुआ था 1895 में, तो जापान ने उनसे छीन लिया था, जापान ने उसको गवर्न करा। लेकिन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में, जब जापान की हालत बहुत बेकार थी क्योंकि वहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जापान की हालत बहुत बेकार थी, तो वहाँ से जबरदस्ती ताइवान छीन लिया था वापस से चाइना ने और उसको अपने अंडर कर लिया था और उसको नाम दे दिया था रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो बेसिकली यहाँ पे चाइना में पहले दो पार्टीज थी, केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी। केएमटी एक तरह से नेशनलिस्ट थे और ये कम्युनिस्ट थे, तो इनके बीच में सिविल वॉर चल रही थी चाइना में, जो कि एंड होती है 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म होता है। तो जो नेशनलिस्ट थे केएमटी, उनको भेज दिया गया था रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान में कि अब वहां जाके अपनी गवर्न करिए। तो केएमटी जो थी वो कहती थी कि हम पूरे चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम नहीं मानते कि चाइना ये दो भागों में डिवाइडेड है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना। जिसकी वजह से जो इनिशियली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिली थी वो आरओसी को मिली थी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिली थी, एक तरीके से ताइवान को मिली थी, चाइना को नहीं मिली थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को नहीं मिली थी। और 1971 तक यूएसए खुद सपोर्ट करता था आरओसी को इंस्टेड ऑफ पीआरसी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थी और यूएसए उस वक्त थी कैपिटलिस्ट, तो चाइना को क्यों सपोर्ट करते। लेकिन 1971 में ही जो ये थी हमारी पीआरसी ने रिप्लेस कर लिया था आरओसी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पर, और तब से वहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वहाँ पर बैठी हुई है। 1992 में केएमटी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक कंसेंसस साइन किया था, मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें क्लियरली लिखा था कि ताइवान कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मांगेगी, आज़ादी नहीं मांगेगी। जो कि अभी के प्रेसिडेंट है वहाँ की ताइवान की, उन्होंने कंसेंसस को पूरी तरह से ठुकरा दिया है क्योंकि ज़बरदस्ती साइन हुआ था, उसको प्रेशर में आकर साइन करवाया गया था, इसीलिए वो अभी भी इंडिपेंडेंस सीख कर रहे हैं ताइवान वाले, जैसे कि हम सब जानते हैं। और आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली सपोर्ट किया जा रहा है ताइवान को, तो हो सकता है कि इंडिपेंडेंस मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, तो अब देखते हैं वो तो आगे क्या होगा, आगे की डेवलपमेंट्स के बारे में आगे देखेंगे। तो अब बात करते हैं हम हांगकांग की। हांगकांग एक आइलैंड है चाइना के पास ही। तो अगर हांगकांग की बात करें तो 30 जून 2020 को चाइना ने, अभी 30 जून 2020 को नेशनल सिक्योरिटी लॉ वहाँ पे लाया है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी प्रोटेस्ट अभी से नहीं चल रहे, ये एक साल से चल रहे हैं, लास्ट ईयर जुलाई से चल रहे हैं तकरीबन। तो इस लॉ की वजह से अब जो लॉ चाइना में लगता था जहाँ पे कोई ओपनली प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, अब वही हांगकांग में हो गया। अब जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको सीधे सीधे अरेस्ट किया जा रहा है और उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। अब इसकी अगर हिस्ट्री पे जाते हैं हम हांगकांग की, तो ओपियम वॉर जब हुआ था, मैंने ओपियम वॉर के बारे में बताया था आपको अभी, किसके इशू में बताया था, किसी इशू में बताया था, रशिया के इशू में बताया था ओपियम वॉर के बारे में। तो इसी ओपियम वॉर में ब्रिटेन ने हांगकांग को ले लिया था, ठीक है, और 100 साल के लिए लिया था। तो ये ओपियम वॉर थी 1897 में टाइम पे, तो 1997 में हांगकांग वापस मिल गया चाइना को। लेकिन ब्रिटेन ने दो शर्तें रखी, पहली कि जो हांगकांग होगा उसका खुद का जुडिशरी होगी, खुद का सेपरेट लीगल सिस्टम होगा, और चाइना ने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। सेकेंडली जो हांगकांग के लोग होंगे उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली होगी, यानी कि उनको कुछ भी बोलने की आज़ादी होगी, उनको इकट्ठे होने के प्रोटेस्ट करने की भी आज़ादी होगी, चाइना ने तब का ठीक है। और इसकी वजह से हांगकांग को काफ़ी ग्रेट लेवल ऑफ ऑटोनॉमी मिलती थी अभी तक, तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया। तो हांगकांग जब वो लंदन, मतलब वो ब्रिटेन के अंडर था, उसके बाद ये चाइना के अंडर आ गया, तो हांगकांग ने ट्राई करा था खुद का सिक्योरिटी लॉ लाने के लिए 2003 में, लेकिन तब लोगों ने प्रोटेस्ट करके उस लॉ को पास नहीं होने दिया, जो कि बहुत बड़ी गलत चीज़ हुई, जिसकी वजह से चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ ज़बरदस्ती यहाँ पे पास कर दिया है। लोगों ने क्यों नहीं होने दिए, क्योंकि उनको लगा था कि हमारी फ्रीडम पे थ्रेट हो जाएगा ये, लेकिन वही गलती हो गई है हांगकांग से, जिसकी वजह से चाइना ने अब यहाँ पे शुरू कर दिया। तो 2019 में भी जो 2019 में भी लॉ लाई थी चाइना, जिसकी वजह से क्रिमिनल जो भी होगा वहाँ का, जो कि हांगकांग क्रिमिनल होगा, उसका जो भी कार्रवाई होगी वो चाइना में होगी, हांगकांग में नहीं होगी। इसकी वजह से जुलाई से प्रोटेस्ट चल रहे हैं लास्ट ईयर से। और अभी रिसेंटली यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ आ गया है, जिसकी वजह से अब ये जो प्रोटेस्ट जो कि वायलेंट थे अभी से, अब वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये प्रोटेस्ट बढ़ने की वजह से चाइना, अब जो हांगकांग है वो एक तरीके से चाइना का ही पार्ट है, और कुछ भी कहेंगे अगर लोग वहाँ पे चाइना के अगेंस्ट, तो सीधे सीधे वो उम्र कैद के भागी बन जाएंगे। अब ये लॉ सिर्फ हांगकांग के लोगों पे नहीं है, जो वहाँ के नॉन परमानेंट है वहाँ पे भी है। अगर ये वहाँ पे कोई इंडियन जाके हांगकांग में रह रहा हो और वो चाइना के अगेंस्ट बोले, तो उसके ऊपर भी लॉ लगेगा,
तो ये यहाँ पे की जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सब इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है अभी हांगकांग को, ठीक है, इंडिया यूएसए सब चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। यूएसए ने चाइना पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूके और ऑस्ट्रेलिया रेडी है हांगकांग के लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए। तो मतलब इंटरनेशनली काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और नहीं भी मिल रहा है, क्योंकि अगर बात करें एक पैक्ट साइन हुआ था इसके रिलेटेड कि ये सही है कि नहीं, उसमें 1/4 ऑफ द वर्ल्ड कंट्री ने कहा था कि सही है। वो क्यों कहा था? या तो वो चाइना के दोस्त लोग थे या फिर वो चाइना के लोन से दबे हुए थे, इसीलिए उनको साइन करना पड़ा। इंडिया ने अभी तक साइन नहीं करा है वहाँ पे, ना अच्छे के लिए ना बुरे के लिए। इंडिया को करना चाहिए जल्द से जल्द, ठीक है। यूएसए ने नहीं करा क्योंकि यूएसए जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन करवाया था उससे बाहर थी, तो ये भी प्रॉब्लम आई है यहाँ पे। तो अब देखते हैं हांगकांग इशू में क्या होता है, हांगकांग अब इशू में आगे क्या होता है वो तो आगे देखेंगे। तो चाइना ये सब क्यों कर रही है? ये चाइना सबके साथ ये डिस्प्यूट्स क्यों बनाती है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, चाइना में राजा महाराजा का रूल चलते आ रहा है बहुत टाइम से। जैसे कि हम जानते हैं राजा महाराजा का एटीट्यूड होता है, उनका होता है भैया ये भी मेरा, ये भी मेरा, सारा एरिया मेरा, उसका बस चले तो पूरी दुनिया चाइना बना दे वो। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पे रह रहे सबका सम्मान करके, हमें सबका विकास, सबका साथ सबका विकास से हमें जीना होगा, यहाँ पे सबको रिस्पेक्ट करते यहाँ जीना होगा। तो चाइना को ये भी समझना ज़रूरी है। साथ ही साथ अभी जो चाइना एग्रेशन दिखा रही है वो इसलिए दिखा रही है क्योंकि अभी तक वर्ल्ड पूरे अगेंस्ट है चाइना के कोरोना की वजह से। तो कोरोना से डाइवर्ट करने के लिए लोगों को वो चाइना इतना एग्रेशन दिखा रही है। अभी हम इंडिया वाले कोरोना सुन के चाइना के बारे में याद करें ना करें, बॉर्डर लद्दाख सुन के अब चाइना के बारे में याद ज़रूर करते हैं। तो आज जब हम चाइना का नाम लेते हैं हमारे मन में कोरोना आना है, लेकिन LAC ज़रूर आता है। तो ये चाइना पूरी वर्ल्ड को कोरोना वायरस से डिस्ट्रैक्ट करते हुए ये अभी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है। और ये एग्रेशन कब से स्टार्ट हुआ? एग्रेशन बेसिकली स्टार्ट होता है 2010 से, जब चाइना ने जापान को ओवरटेक करके सेकंड पोजीशन पे आ गई USA के बाद। तो आज की वीडियो यहीं पे अब एंड करते हैं। होप कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली हो। बड़ी हो गई वीडियो लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। तो मिलते हैं फ्राइडे को, कानपुर शूट आउट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम मिलते हैं संडे को भगवद गीता के अध्याय 8 की समरी के साथ। तो मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।